द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले यानी कि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोग टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भर चुके हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ एक और भर्ती आने वाली है, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं वह दूसरी भर्ती में भी काम आएगा। अब ये दूसरी परीक्षा कौन है जिसमें टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां होने वाली हैं? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अटल एक आवासीय विद्यालय बनाने की योजना थी और उसमें शिक्षकों के पद खाली हैं और उसी की यहाँ पर भर्ती आने वाली है। तो खबर क्या है कि अटल आवासीय स्कूलों में जल्द होगी हजारों भर्तियाँ। और इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ होंगी, चलिए हम लोग इसको डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रदेश के अटल आवासीय विद्यालयों में जल्द हजारों भर्तियाँ होंगी। इनमें से 810 जो भर्तियाँ होंगी वो स्थायी होंगी और बाकी जो स्थायी भर्तियाँ होंगी वो किसकी होंगी, प्रधानाचार्य की होंगी, प्रशासनिक अधिकारी की होंगी और शिक्षकों की होगी। तो शिक्षकों के जो पद होंगे वो स्थायी होंगे, यानी कि जो आपको टीजीटी और पीजीटी में वेतन मिलता है वही वेतन आपको अटल आवासीय विद्यालय में भी मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे आपके काम होते हैं, जैसे कि चपरासी होते हैं, क्लर्क होते हैं, ये सारे चौकीदार होते हैं, ये सारी जो भर्तियाँ होंगी ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। यानी शिक्षकों के, प्रधानाचार्य के और प्रशासनिक अधिकारी, इसके इसको छोड़कर बाकी के जो जितने भी पद विद्यालय में होते हैं वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। टोटल आपके पास 810 पद हैं आपको इसमें तैयारी करने के लिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। इसमें टोटल 45 पदों पर स्थायी नियुक्तियां होंगी। विद्यालय में प्रत्येक 45 जो पद हैं उनमें स्थायी नियुक्तियां होंगी। इनमें से प्रिंसिपल का पद होगा, प्रशासनिक अधिकारी का, और 16 पद पीजीटी के होंगे। ये एक स्कूल की बात हो रही है, एक स्कूल में 16 जो प्रवक्ता रखे जाएंगे पीजीटी के और 27 सहायक अध्यापक यानी टीजीटी के रखे जाएंगे। ठीक है, तो एक स्कूल में क्या होगा, एक प्रिंसिपल होगा, एक प्रशासनिक अधिकारी होगा, 16 प्रवक्ता होंगे और 27 जो है टीजीटी के अध्यापक होंगे। इस प्रकार टोटल 45 विद्यालय है, यानी कि आपके 18 स्कूलों में, इस लिहाज से जो 18 मंडल हैं, 18 मंडलों में टोटल 810 पदों पर भर्तियां आएंगी। ठीक है, तो शासन के विशेष सचिव प्रेम प्रकाश सिंह ने इन पदों की स्वीकृति संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि भैया इसका आदेश जारी हो गया है, ये भर्तियां आपकी जल्द से जल्द आएंगी। अब यह जो आदेश होने के बाद ये विभाग के पास पहुंचेगा, यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी और वहां से माध्यमिक जो बोर्ड है वो आपको भर्तियों का विज्ञापन निकालेगा। तो अब भर्तियों का विज्ञापन जल्द से जल्द आने वाला है। आप सभी लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो पढ़ रहे हैं वही इन भर्तियों में भी काम आएगा। यानी कि बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है। जो सारे अभ्यर्थी बीएड क्वालिफाई हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं अटल आवासीय योजना में, आप सभी लोग जी जान से लग जाइए। आपके सामने दो भर्तियां हैं, दोनों में से किसी ना किसी में आप सभी लोग सिलेक्शन ले लीजिए।